नमस्कार चैनल में आपका स्वागत है। बरेली समाचार। थाना सीबीगंज क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता जो खड़ुआ रहती है कॉलोनी में, वहां पर पड़ोस की एक महिला ने इनके पति पर झूठा रेप का आरोप लगा दिया और उसे जेल भेजवा दिया। इसको लेकर आज एसपी महोदय के पास पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी। कहाँ रहती हूँ? खड़ुआ कॉलोनी। थाना? मेरा नाम लक्ष्मी। थाना? थाना क्या कहता है, थाना सीबीगंज। तो क्या दिक्कत है, आपसे बात शिकायत करने आई हो? चौकी पड़ता खेड़ा। तो शिकायत करने आई हो, क्या क्या मामला? शिकायत करने आए, हमको कैसे छूटेगा, हम अकेले, मेरा पास कोई सहारा नहीं है, हम कैसे क्या होगा। दिक्कत है, हम अपने पति के लिए चढ़ाते हैं, हमारे माँ नहीं है, बाप नहीं है, कोई भी परिवार नहीं है मेरा। हम अपने भीख दुख मांगते हैं, खाते हैं, ऊपर देखो, मांगते हैं, खाते हैं। कोई कॉलोनी वाला नहीं है, कोई एक रोटी एक देने वाला है, कोई न कोई सुन रहा है। क्या हुआ पति के साथ? पति के साथ उन्हें लगवा के जेल भेजवा दिया। किन्ने? सीमा ने। कौन सीमा? सीमा कौन है? सीमा गुप्ते बनिया सीमा, मेरे बराबर पर दो मंदिर। क्या करती है वो? वो घर पर रहती है, उसको आदमी काम करता था। तो उसकी थाने में शिकायत करी आपने? अब थाना में करा था, हमको कोई नहीं सुना। तो काफी यहाँ से काफी मिले आई हो? हाँ, यहाँ से मिले आए। क्या चाहती है? हमको आदमी के कैसे छुटा, कैसे आप पेश करके कैसे पता लगा के हमको आदमी के छुटाने के लिए चाहते हैं। आदमी कहाँ है? जेल में बंद करे हैं।